राजनीति में कहा जाता है कि जो लोग राजनेता बनते हैं उनका एक लक्ष्य होता है कि मेवा खाया जाए, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है लोकतंत्र में कोई व्यक्ति जीत के आए और वो मेवा के बजाय सेवा पे ज़्यादा ध्यान दे। आज चर्चा उस नेता की है जो सरकारी आवास तो ले लिया लेकिन उसने कहा कि ये आवास जनता के लिए है। आरजेडी के विधायक कामरान है, उनको आवास मिला है। तेज प्रताप यादव जो मंत्री हैं उनका आवास था। ये ऐलान आपने कर दिया और पूरी तरह से पूरे भारत में सोशल मीडिया में बिहार में चर्चा हो गई कि आपको आवास मिला, आपने कहा कि नहीं ये आवास मेरा नहीं है, ये जनता के लिए इसका ताला खोला जा रहा है। अच्छा, ये हमारा कहना है कि ये हम चाहते भी तो ये आवास हमको नहीं ले सकते थे जब तक गोविंदपुर के जनता मालिक का आशीर्वाद हमको नहीं मिलता। तो जिनके कारण मिला उनका अधिकार उनको हमने दिया, बस इतना ही है, सिंपल लॉजिक है इस पर। और इसकी प्रेरणा अब आप पूछेंगे कि प्रेरणा हमको कैसे मिलती है, तो सेवा करने की प्रेरणा तो हमारे हमारी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे डिप्टी सीएम हैं, वो उनके आदेशानुसार, उनको आप देखे भी होंगे कोरोना के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने वीडियो कॉल से भी सबको आदेश दिया था कि एकदम सब विधायक लगे रही है। तो इसी तरह से हम लोग को भी सेवा का एक अवसर इस तरीके से भी लगता है कि भाई जनता को उनका अधिकार दें और उनके सेवा के लिए हम लोग यहाँ उपलब्ध रहें। जब भी वो पटना आए तो उनको ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि हमको अगर रुकने की ज़रूरत पड़े तो कहाँ रुकेंगे, कितना खर्च हो जाएगा रुकने में खाने में, तो वो सब उनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े। उनका अधिकार है, उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने बनाया और उनके वोट के कारण ही ये आवास मिला है, तो ये उनको समर्पित हमने कर दिया। अच्छा कामरान साहब, जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी ये चर्चाएं थी, हम लोगों ने खबर की कि लोग आपको नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक सेवा जो आप ज़िंदगी से करते हैं जब से आपने होश संभाला, तो ये प्रेरणा आपको राजनीति में आने से मिली कि एक पारिवारिक है, कि घर में भी इंसान की तरबियत होती है कि नहीं भाई ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा है वो लोगों की खिदमत के लिए लगा दिया जाए। ये बिल्कुल घर से ही मिलता है, पहले तो घर से ही आदमी को प्रेरणा मिलता है। हमारे पापा भी सेवा करते रहते थे, अलग इसमें राजनीति में तो नहीं है, लेकिन हमारे घर के लोग करते रहते थे, उन्हीं से हम भी प्रेरित हुए हैं और आगे बढ़े हैं। और जब हम राजनीति में आए तो जब देखा हमने लालू जी को कि वो किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी ने जब जब मीटिंग किया, जब उन्होंने हमेशा कहा है कि गरीब लोगों के साथ आप बने रहिएगा, अपने जनता मालिक को छोड़िएगा नहीं, उनके सेवा में लगे रहिएगा, तो हम लोगों को ये और बूस्ट होने का मौका मिलता है इसमें। तो ये जो तेज प्रताप जी का पुराना आवास है तो आसान हो गया लोगों के लिए, कोई अगर एयरपोर्ट की तरफ से आवे, इधर चिड़ियाघर से आवे तो ये भी हो गया। और दूसरी बात यह है कि मीडिया के लोगों ने भी आपकी जो खबर है उसको कहा कि हाँ भाई जब सेवा का मसला है तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। राजधानी में जो लोग आते हैं इलाज की गरज से या किसी और भी विभागीय काम से, तो उनके साथ सबसे बड़ा मसला यही होता है। हाँ जी, ये उद्देश्य भी यही है कि जब वो लोग आए यहाँ पटना, तो अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनको सोचने की मतलब टेंशन नहीं उनको हो कि हम कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, तो उसके लिए यहाँ सुविधा सारा हम लोग उपलब्ध करके उनको देंगे। अच्छा, कहा जाता है कि 90 से पहले की जो राजनीति थी उसमें ऐसा होता था कि जो पॉलिटिकल लोग होते थे, जीत के आते थे, वो स्पेशली अपने इलाके के लोगों को, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बुलाते थे कि आप हमारे यहाँ रुकिए। लेकिन 10-20 साल में ये चीज़ें गैप हो गई कि मंत्री विधायक का आवास बंद होता था या ताले लटके थे या गार्ड होते थे, बोले नहीं ये विधायक जी नहीं है, बाद में आइएगा। उस परंपरा को आपने तोड़ने का प्रयास किया है? पता नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। हम तो देखे हैं कि जो भी विधायक हैं उनके आवास पे उनके यहाँ की जनता के रहने की व्यवस्था रहती है, तो है अभी भी, तो है। इस तरह का ऐलान नहीं है, आम ऐलान नहीं है। अब ये तो हमने चुनाव से पहले ही बोला था कि ना हम वेतन लेंगे, ना कमीशन लेंगे, ना आवास हमारा रहेगा, सब हमने चुनाव से पहले ही हमने ये बात को कही थी। बस अब ये है कि जो हम बोले थे वो हम पूरा कर रहे हैं। खुशी होती है ऐसा करने? बिल्कुल खुशी होती है। खुशी तब होगी जब आप जनता, अपने जनता मालिक के चेहरे पे मेरी वजह से अगर खुशी जाए, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकता है। ये थे हमारे साथ गोविंदपुर विधानसभा के कामरान विधायक हैं आरजेडी के, और तेज प्रताप यादव वाला जो पुराना आवास था वो आवास इनको मिला और इन्होंने घोषणा कर दी कि ये आवास मेरे लिए नहीं है, मेरे ऐशो इशरत के लिए नहीं है, यानी जो जनता गोविंदपुर से आएगी या कोई भी अगर इस तरह का लोग जिसको ज़रूरत हो, पटना में इलाज की गरज से आते हों या किसी काम के लिए, तो वो बेला झिझक यहाँ आ सकते हैं। किसी तरह की कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, सारा इंतजाम खाने पीने का रहने का इंतजाम होगा। हाल के राजनीति में इस तरह की मिसाल कम मिलती है, जो मिसाल आरजेडी के विधायक कामरान ने पेश की है।